हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो साइबर क्राइम होता है वो क्या होता है, अगर उसको परिभाषित करना हो तो हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, और ये एक जो बहुत ही बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या क्यों मानी जाती है, और तीसरी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। तो कंप्यूटर के द्वारा किए गए कोई भी, अगर कोई क्राइम है जो कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, इनके द्वारा किया जाता है, तो उसे हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में लेते हैं। तो पहले तो आता है कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट। इन चीज़ों के माध्यम से अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम किया जाता है तो उसे हम इस कैटेगरी में लेते हैं, साइबर क्राइम की कैटेगरी में। अब दूसरी जो बात करते हैं, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि ये एक बड़ा और बहुत ही चिंतनीय विषय क्यों माना जाता है। तो इसके कुछ कारण हैं। जैसे पहला है, यह अमेरिका से शुरू हुआ, यानी कि एक देश विशेष से शुरू होकर एक पूरे विश्व में फैल गया। तो इसका मतलब है कम समय में ये अधिक पॉपुलेशन को टारगेट करने में सक्षम होता है। तो ये अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया। तो ये तो हो गया इसका पहला कारण। दूसरा है, यह गैर स्थानिक होता है। गैर स्थानिक अपराध होने का मतलब हो गया कि एक कंट्री में बैठा हुआ व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में इस प्रकार के क्राइम को अंजाम दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये हैं, कोई दूसरा, जैसे यूएसए में कोई व्यक्ति बैठा है, उसने अपने लैपटॉप से आपके अकाउंट को हैक किया और आपके 5,000 रुपये पूरे उड़ा दिए। तो वह व्यक्ति उस देश में या उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं है, वह किसी दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, फिर भी वह उस क्राइम को अंजाम दे सकता है। तीसरी बात, हम बात करते हैं किसी में पहचान की कमी होती है। अगर जैसे कोई भी फिजिकल क्राइम होता है, आप किसी भी प्रकार का क्राइम देखते हो, मर्डर देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, आपस में उनके बीच में मतभेद उत्पन्न होता है, तो जो मतभेद करने वाले हैं उनको पुलिस हाथों हाथ पकड़ सकती है, लेकिन इसमें पहचान नहीं होती है। अगर कोई फिजिकल क्राइम होता है उसमें पहचान होती है कि उस आदमी ने ये क्राइम किया है। यहाँ पे केवल जहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है उसने कॉल किया, या आपको कोई किसी प्रकार का कोई लिंक भेजा, आपने उस पर क्लिक किया और आपके अकाउंट से सारे पैसे डिलीट हो गए। यहाँ पे पता नहीं कि आपके पैसे किसके अकाउंट में गए हैं, किसने किया है। इसके पीछे जो पहचान मानी जाती है वो पहचान बिल्कुल नहीं मानी जाती है, कि कोई भी कौन व्यक्ति है, कोई विशेष नाम है, कहाँ रहता है, इसकी कोई हमें जानकारी नहीं होती है। तीसरी बात आती है कि इसके अंदर जैसे एक लिमिट होती है पुलिस की, जैसे कोई पुलिस है उसका एरिया विशेष होता है, उसी प्रकार से जो देश की पूरी क्राइम कोई एजेंसी है उसके लिए पूरा देश मान लेते हैं कि ये पूरा कंट्री, उसका एक लिमिट है कि वो पूरे कंट्री के अंदर उस क्राइम को डिटेक्ट करके जो क्राइम किया है जिन्होंने, उनको पकड़ के ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरी कंट्री में कोई क्राइम होता है तो जो पुलिस है वो उसके जो कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाता है। उसे पकड़ने के लिए उसको वहाँ की जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको अपराधी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन जैसे छोटा कोई क्राइम है, जैसे आपके अकाउंट से 500 रुपये या 5,000 रुपये गायब हो गए, इतने से काम के लिए यहाँ पे जो दो देशों के बीच में जो सहयोग वाली जो हम बात करते हैं, वो 5,000 के लिए सहयोग कोई देश की पुलिस मांगे तो वो ठीक नहीं माना जाता। उसके बाद हम बात करें कि एक शिक्षा की जो कमी है हमारे देश में, शिक्षा की कमी के कारण भी इस प्रकार के अंजाम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने कॉल किया, आपसे किसी प्रकार की कोई अकाउंट में डिटेल मांगा, ओटीपी भेजा, या मोबाइल पर किसी प्रकार का कोई लुभावना मैसेज आ गया कि आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है और आपको ये काम करना है। तो होता क्या है कि आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाते हैं और जो क्राइम करता है उसके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर जैसे शिक्षा ज़्यादा हो, अगर शिक्षित व्यक्ति होता है तो वो जानता है कि इस प्रकार का कोई नहीं हो सकता कि आप घर बैठे बैठे बिना कुछ किए आपकी लॉटरी लग जाए और आपको इस प्रकार का किसी कोई लाभ मिल जाए। दूसरा है कि ये जो क्राइम होते हैं, ये जो साइबर क्राइम है,
ये अगर ज़्यादा होते हैं तो अन्य प्रकार के जो क्राइम होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई आतंकवाद विशेष का संगठन है, इस प्रकार के जो है क्राइम करता है और काफ़ी पूरे विश्व भर से पैसा इकट्ठा करता है, तो वो जो पैसा इकट्ठा किया है उसको वो किसी इलीगल काम में लगा सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि वो अन्य आतंकवादी या किसी भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद बात करें कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो मोटा मोटा आता है वो आता है हैकिंग। हैकिंग से वैसे सब परिचित होते हैं। हैकिंग में क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी को तोड़ के और उसके कंप्यूटर का एक्सेस अपने हाथ में ले लेता है और उसकी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कोई डिटेल्स होती है, उनको या तो क्रैश कर देगा या फिर उनका दुरुपयोग करता है। इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हैकिंग में कैटेगरी में लेते हैं। दूसरा होता है सलामी हमला, सलामी अटैक। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके खाते से किसी ने 5,000 रुपये उड़ा दिए, तो 5,000 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए आप उसकी बैंक में शिकायत करेंगे। फिर उसके बाद जो साइबर क्राइम की ब्रांच होती है वहाँ पे शिकायत करेंगे कि मेरे अकाउंट से इतने बजे इस व्यक्ति ने इस मोबाइल से कॉल किया और मेरे अकाउंट से पैसे उड़ा दिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति 1 लाख लोगों के खाते में से एक एक रुपया गायब करे, तो उसने अमाउंट तो बहुत बड़ी कर ली, जैसे 5 लाख लोग हैं और सबके खातों में से उसने एक एक रुपया चोरी किया है, तो उसने कितने कर लिए, 5 लाख रुपये चोरी कर लिए। लेकिन जो 5 लाख जो अकाउंट होल्डर है वो ये सोचते हैं कि भाई 1 रुपये की चोरी के लिए ना तो कोई ब्रांच में जाएगा और ना कोई पुलिस स्टेशन में जाएगा, ना जो क्राइम जो साइबर क्राइम की जो विशेष जो पुलिस थाने होते हैं उनमें जाएगा। तो 1 रुपये की चोरी उनके लिए तो छोटी हो गई, लेकिन जो ये काम कर रहा है, जो साइबर क्राइम कर रहा है, उसने वो छोटी छोटी अमाउंट से ही काफ़ी बड़ा अमाउंट अपनी गिरफ्त में कर लिया। उसके बाद आती है फिशिंग। ये सबसे प्रचलित साइबर क्राइम माना जाता है। प्रचलित कैसे माना जाता है? फिशिंग में क्या होता है कि फिशिंग वाले कॉल करते हैं व्यक्तियों को और उनको लालच देते हैं, फिर सामने वाले व्यक्ति जो हैं वो लालच में आ जाते हैं और उनके बताए अनुसार वो जो जो कहते हैं वो उनको जानकारियाँ जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके अकाउंट की डिटेल होती हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसकी जो डिटेल्स होती हैं, ओटीपी नंबर, और वो सब उनको दे देते हैं। उससे क्या होता है, उनके पास आपके अकाउंट का एक्सेस चला जाता है और वो आपके अकाउंट से जो आपका पैसा पड़ा है उसको निकाल लेते हैं। इसमें कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको ईमेल आया कि आपने 2 मिलियन डॉलर जीते हैं और आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको हमारे पास इस मेल पे भेजनी है। तो आप ये सोचते हैं कि 2 मिलियन डॉलर अगर आपने जीते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो इसको देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपको और भी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी आपसे ले लेता है, और लेने के बाद आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े होते हैं उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, और इस प्रकार से आप साइबर क्राइम के जो एक व्यक्ति बन जाते हैं जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है। इस प्रकार से और भी प्रकार के साइबर क्राइम हो सकते हैं, जैसे आपके पास कॉल आया है कि आपने मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपने कोई लॉटरी जीती है, या और भी प्रकार के हो सकते हैं। साइबर क्राइम की कोई गिनती नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई गूगल किया कि मुझे कोई ब्लूटूथ चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने एक वेबसाइट देखी, उसमें आपने देखा कि उस पर कोई विशेष ऑफर चल रहा है, आपने उसको ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद आप देखते हैं कि 2, 4, 5, 7 दिन तक वेट करते हैं लेकिन वो मोबाइल नहीं आता है। आपने जो उसको पैसे भेजे मोबाइल के तौर पर, एक्चुअल में वो वेबसाइट भी फेक है और जो आप हैं, आपने जो उसको पैसा दिया है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, और अब वो एक साइबर क्राइम माना जाता है क्योंकि वो आपको बदले में जो आपने चीज़ के लिए पैसे दिए हैं वो वापस नहीं आ सकते। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। ओके गाइस, थैंक यू।